अब हमारे साथ हमारी मेहमान रहमत है, जो बहुत ही टैलेंटेड और अमेजिंग एक्ट्रेस है। आदला खान हमारे साथ है, जो जितनी दिखने में प्यारी हैं उतनी ही इनकी प्यारी एनर्जी है। हमारी मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल प्यारा प्लेजेंट बच्चा। एंड बादम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यूअर्स के, यंग लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं तो, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है कभी कभी बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि अब इतनी तो मेरी उम्र हो गई है कि इन बच्चों की मैं सीनियर बन चुकी हूँ। तो होता ये है कि आपको असलियत तब पता चलती है जब आप किसी का इंटरव्यू के लिए उनसे ऑफ एयर बातचीत करते हैं। तो बहुत ही बाअदब और प्यारी सी आदला खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना क्यूट इंट्रोडक्शन, आई एम ऑनर्ड। बेटा देखो, काम तो हर किसी ने आपका देखा ही हुआ है, एंड जो लोग आपके फैन हैं वो आपके काम को तो देख ही रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोग क्यों सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, क्यों कमेंट्स करते हैं, बिकॉज वो आपको जानना चाहते हैं। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि उछल कूद से ज्यादा उन चीजों पे फोकस करें जिन्होंने आपको आज इस मकाम पे पहुंचाया। सो लेट्स टॉक अबाउट योर करियर, लेकिन उससे पहले अपने नाम का मतलब बताओ। मेरे नाम का मतलब है जस्टिस, इंसाफ, जो करना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम माशाल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मीडिया की तरफ रुझान कैसे हुआ? मीडिया की तरफ बस बाय चांस, कुछ ऑनेस्टली कई लोग, छोटी सी थी तो तब क्या सोचा था कि क्या बनूंगी? नहीं, मैंने तो सोचा था मैं मतलब पेंटर बनूंगी या फिर आई विल डू समथिंग इन, नॉट इन मीडिया, मीडिया का तो दूर आर्ट्स में कुछ करना, आर्ट्स में कुछ करूंगी, लेकिन मीडिया का तो दूर दूर, क्योंकि आई वाज बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी और मुझे ज़्यादा गैदरिंग में जाना, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं ज़रा अपना ही पेंटिंग करती रहती थी, अपनी ज़ात में खुश रहती थी। मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा लोगों में बैठना, और लेकिन पता नहीं अल्लाह ने कुछ और ही प्लान किया होता है, हमें पता ही नहीं होता। सो देन हुआ क्या, एंट्री कैसे हुई इनटू द मीडिया? एंट्री बस हाउ लॉन्ग अगो? 6-7-8 ईयर्स अगो। माशाल्लाह। या लेकिन मेरा बस वही होता ना, बहुत कम कभी कभी, क्योंकि आई शिफ्टेड टू कराची, और कराची में बस शिफ्ट होना बहुत एक जिगरे की बात है। फैमिली का क्या रिस्पांस था? फैमिली का अभी भी कुछ फैमिलीज नहीं पसंद करती ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माई फैमिली वॉज रियली लाइक सपोर्टिव इन अ वे के दे वॉन्ट मी टू डू समथिंग वॉट एवर, दे वर लाइक ओके इफ यू वॉन्ट टू डू इट देन डू इट प्रॉपरली, जो भी करना है, आर्ट्स करना है, जो भी करना है, दे वर वेरी लाइक ओके अबाउट इट। तो जब मीडिया के अंदर आई, वो पहला एंट्री कैसे हुई? क्योंकि देखो, हर बंदा, हर जिन लोगों की ख्वाहिश होती है वो सारी जिंदगी काविश करते रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो ये एक लक की भी बात होती है। वैसे मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि मेरी तो लकी थी, और मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस ऐसे ही एक वर्ड है शुगल में आ गए, तो मैं तो शुगल में ही आ गई। कैसे? बस ऐसे ही दोस्तों ने प्लान किया, एक पहले तो कॉलेज की हमने एक छोटी सी असाइनमेंट थी, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक्टिंग की असाइनमेंट है, ये कर लेते हैं। उसकी वजह से होता है ना, आप मिलते हो लोगों से, और फिर वहाँ से लोगों से मिले, किसी ने देखा मुझे और उन्हें लगा कि ओ यू नो इसकी उर्दू बहुत अच्छी है, एक्सेंट अच्छा है, तो दे ऑफर्ड मी वर्क इन कराची, दे थॉट आई एम फ्रॉम कराची, एंड आई वाज लाइक नो आई एम नॉट, तो दे कॉल्ड मी, मैं गई वहाँ पे, मैंने एक रमज़ान प्ले किया, बहुत अच्छा गया, बहुत फिर अच्छा और काम मिला, और मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रह सकती, मैं तो वापस जा रही हूँ, तो मैं वापस आ गई। लेकिन यह है कि इस तरह से स्टार्ट हुआ, और अब आती जाती रहती हो? अब मोस्टली मैं कराची में ही होती हूँ। सो यू लिव इन कराची ना? या आई लिव इन कराची ना। और फैमिली लाहौर में? जी फैमिली। इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचती थी और अब क्या सोच है? होता ना कि बंदा आने से पहले एक जहन में एक इमेज होती है आपकी, ऑब्वियसली जब ऑफर हुई होगी तो आपने सोचा होगा कि यार ये पत्नी ऐसी जगह होगी वैसी होगी, फिर जब हिस्सा बनी तो फिर क्या ओपिनियन था? At that time, it was like life is just fun and games. हाँ ठीक है, शुगर लग कर लो ऐसा वाला सीन था। और लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा है कि जब मैं कोई काम करती हूँ, मैं बहुत नीयत से और ऑनेस्टी से करती हूँ, मैं काम चोरी नहीं दिखाती, मुझे होता है कि नहीं बस करना है अब। तो वो चीज़ मेरे में पहले भी थी, वो चीज़ मेरे में अब भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि होता है ज़रा लॉबी सिस्टम और ये वो थोड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आई थिंक आई एम कंटेंट, आई डोंट केयर। मुझे ये होता है कि अल्लाह पाक ने आपका आपके काम लिए बोलता है बेटा, आपका काम बोलता है, और दूसरा ये कि आपकी नियत, और अल्लाह नोज द बेस्ट, उन्हें पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ठीक है वो हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ आपके नसीब में होती है वो आपको मिल के रहती है। सबसे टफ टाइम
अभी तक किसने या क्या, मैं ये नहीं पूछ रही कि नाम, मैं इस तरह के इंटरव्यूज करती नहीं हूँ कि किसी को गंदा करें, बट वैसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में अभी तक क्या रहा है, लोगों का नाम लिए बगैर प्रोजेक्ट का नाम लिए? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो यही है जब लोग पैसे नहीं देते. स्टोरी ऑफ आवर लाइफ. यू सी, ये इस इंडस्ट्री का है इशू. Yeah. मिसकमिटमेंट करते हैं, मिसकमिटमेंट करते हैं और बातों से फिर जाते हैं. और इसीलिए आई डू बिलीव कि आप शूट पे जाने से पहले सारी बातें पहले क्लियर करो, ताकि वहाँ जाके कोई ऑन पेपर क्लियर करो. ये चीज़ भी एक मैंने सीखी है, पहले नहीं आती थी, अब सीखी है कि ऑन पेपर क्लियर करो, वरना बहुत मसले होते हैं. लोग तो झूठे हैं, बहुत झूठे हैं, और झूठ बोलना आदत है, शायद हॉबी भी है लोगों की. तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप अगर फोकस के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जेलसी इस फेस की? अभी तक. और ऐसे ऐसे लोगों से जिनका मुझे लगता है उन्हें ज़रूरत नहीं है जेलस होने की. मतलब माशाल्लाह, अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट गोना टेक अ नेम, वी डोंट वांट यू टू टेक नेम. इतनी प्यारी प्यारी मेरी को एक्टर्स हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई जेलसी, व्हाई. मतलब ये नहीं है कि अपना काम अच्छा करें, विच इज़ वेरी गुड, नहीं, इसका काम ख़राब क्यों, कैसे करना है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आती है ये क्या है. मुझे खुद नहीं समझ आती कि भाई क्यों किसी के. बट यू सी, इट्स समथिंग दैट आई फेस्ड इन द इंडस्ट्री अ लॉट ऑल्सो. जब मैं शुरू में आई, हर कोई मेरे साथ मुंह पे बहुत अच्छा था, और पीठ पीछे जड़ों से काटना शुरू हो जाता. ये भी मैंने एक चीज़ सीखी, मतलब है. अच्छा, आप इसको रख रहे अगले प्रोजेक्ट में, कितने चार्ज कर रही हैं, इतने, मैं आपको इससे आधे पैसों में कर दूंगी, आप डन कर दें. ऑब्वियसली यार, अगर एक जगह आपको 500 रुपए देने और दूसरी जगह अगला कह रहा है कि जी मैं 200-250 में कर दूंगी, तो बंदा क्यों नहीं उस तरफ जाएगा. बिल्कुल. बट अल्टीमेटली वही वाली बात होती है ना, उस लेवल पे बंदा अपने आपको पहुंचा दे. जैसे अब जिसने सवा कमर को लेना है, उसे सवर कमर को लेना ही है. जिसने महवेश हयात को हायर करना है, वो महवेश हयात को ही करेंगे. मायरा खान को मायरा खान जो अफोर्ड करते हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है, करेंगे. उस लेवल पे जब बंदा पहुंच जाता है तो फिर मसला नहीं होता. बहुत बहुत अजीब अजीब तरीके की बातें हैं, अगर हम करना शुरू करेंगे तो वो तो नेवर एंडिंग स्टोरी है. नो, बट आई लाइक टू नो, बिकॉज देखो, बहुत से लोग आपको देख के कहेंगे यार इसकी किस्मत अच्छी है, इतनी अच्छी है, ये तो मीडिया में आ गई, इसका तो दिल भी नहीं था, और देखो अल्लाह ने इसको कामयाबी दी, हम तो कब से मरे जा रहे हैं. तो लोगों को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में होता क्या क्या है. बिल्कुल. उनको सिर्फ ग्लैमर नजर आता है, ग्लैमर नजर आता है, उनको सिर्फ खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं, उनको सिर्फ इंस्टाग्राम की पिक्चर्स नजर आती है, उनको ये नजर नहीं आता कि इसके पीछे कितनी मेहनत की हुई है. एक इंसान सुबह 12 घंटे, बल्कि उससे भी ज्यादा काम करता है. 12 घंटे तो आप सेट पे होते हो, आना भी है, जाना भी है, 14 घंटे. एग्जैक्टली, वो सब चीजें जो है वो काउंट ही नहीं होती है. लेकिन हाँ, वो यही होता है ना, कहते हैं जो दिखता है वही, जो दिखता है वही बिकता है. वही बिकता है, तो शायद वो वाली बात है लोगों के लिए. इट्स ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैमर. उन्हें लगता है कि बस यही है, मेकअप करके बैठ जाते हैं और तो कुछ है नहीं. बट 12-12, 14-14 घंटे मैनेज कैसे करती हो जान, एग्जॉस्ट नहीं हो जाती? अब तो आदत हो गई है. मतलब आपको भी पता है कि इतना कर करके हम शायद और मुझे लगता है कि एक्टर्स, हर कोई एक्टर और हर कोई इस फील्ड में आ नहीं सकता. ये बहुत डिफरेंट होते हैं लोग जो इस ये काम करते हैं, थोड़े मुझे लगता है टेढ़े हैं. टेढ़ा होना पड़ता है. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमा खान से कलाम सुनेंगे, एंड ऑफ कोर्स इतनी प्यारी सी लड़की हमारे साथ है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि अभी तक कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा कैरेक्टर इनका फेवरेट रहा है, किस किस्म का कैरेक्टर प्ले करने की ख्वाहिश है जो अभी तक मिला नहीं, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एंड फेवरेट आर्टिस्ट टू वर्क विद, फेवरेट डायरेक्टर्स टू वर्क विद, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे. व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ठहराव वाली आंदला खान है. तो मेरी जान, मुझे ये बताओ कि आज तक फेवरेट प्रोजेक्ट, द फेवरेट, मतलब आई नो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आपका बच्चा कौन सा फेवरेट है. हर प्रोजेक्ट जो है वो बंदे को पसंद होता है, बट योर एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोजेक्ट अभी तक एंड कैरेक्टर क्यों? फेवरेट प्रोजेक्ट तो काफ़ी हैं जो मैंने अभी तक किए हैं, लेकिन एक जो है वो मेरा बहुत फेवरेट ही है. इस तरह से है कि उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो कैरेक्टर करके मैं, प्रोजेक्ट का नाम बता दो. उसका नाम है डोर, इट वाज फॉर जियोटीवी, और वो था मज़र मोइन का. मज़र भाई ने मुझे, मतलब ही वाज माय, लिटरली इज़ माय टीचर. एक मेरा सारा काम एक तरफ जो मैंने आज तक किया है, और जो मैंने उनके साथ वो प्रोजेक्ट किया था,
वो सब चीज़ें शायद उसी की वजह से अभी जो मुझे काम आता है वो उसी की वजह से आता है. जैसे उन्होंने मुझे एक्चुअली में मेहनत, मुझे पता चल रहा था कि वो मुझे मेहनत करा रहे हैं. आई एग्री विद यू. मेरे साथ भी मैंने प्रोजेक्ट किया था साइका, इन विच आई वॉज प्लेइंग साइका, एंड आसिम जो डायरेक्टर थे, गॉड ब्लेस हिम, ही वॉज सो सपोर्टिव. और इसी तरह वो जो कहते हैं ना, लिटरली उंगली पकड़ पकड़ के कराया. और उसके बाद फिर मेरे पूरे करियर की ट्रैजेक्टरी बदल गई. बिल्कुल. फिर लोगों ने कहा हाँ ये एक्ट्रेस है, ये सिर्फ मॉडलिंग से शौकिया नहीं आई है सिर्फ, जबकि मैं हमेशा से एक्टर ही थी. बिल्कुल. एंकरिंग तो एक सच्ची बात है, इसकी मैंने करनी शुरू की कुछ हमजा छोटा था, कॉलेज जाना, स्कूल जा रहा था. आई हैड टू मेक श्योर कि मैं 14 घंटे अगर सेट पे होंगे तो बच्चा कैसे पालूंगी. अब सिचुएशन डिफरेंट है, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. एक्चुअली उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई कि एक्टिंग ये नहीं है कि खड़े होकर डायलॉग बोल दो, एक्टिंग ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलना फिरना, आप भाई जो वो कैरेक्टर महसूस कर रहा है, जब तक आप वो महसूस नहीं करेंगे आप कभी नहीं परफॉर्म कर सकते. और जुगना मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक उसमें सीन था, वो सीन करने के बाद मुझे लिटरली मुझे वो फीलिंग याद है, 3 दिन तक मैं लिटरली उस फीलिंग के अंदर थी. और मुझे बार बार ना मुझे क्रेव हो रहा था वो बार बार कि मैं वो जाऊं और जाके वो सीन करूं, जाऊं और जाके वो सीन करूं. मैं स्टक हो गई थी उसमें. फिर आई रिमेम्बर मेरे को एक्टर थे अली, उसमें अली अब्बास, उन्होंने मुझे कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, निकलो इससे. मतलब अली अब्बास हिमसेल्फ इज अ फिनोमिनल एक्टर, बड़े बाप का बड़ा बेटा. बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आगे मूव ऑन, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तारीफें हुई हैं, बट मूव बढ़ो आगे, आगे बढ़ो. बट मैं आपको बता रही हूँ कि कितना मैं उस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत सीखा, बहुत. अच्छा, आन टीवी के साथ भी तो आपने प्रोजेक्ट किया. How was that experience? It was really nice. Team was really nice. Director अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, मजा आया. बिल्कुल बस हंसते खेलते हो गया प्रोजेक्ट, कोई मसला नहीं हुआ. ये एक अच्छी बात हुई थी वहाँ पे. No, I mean, I, my own personal experience with Aunt TV has been great. You know, मैं क्योंकि मुझे इतनी आदत है एक और जगह पे काम करने की, बट यहाँ पे आके टीम के साथ काम करके, देखिए अगर इफ यू आर वर्किंग विथ पीपल हु आर प्रोफेशनल, जो आपके साथ अच्छे तरीके से डील करते, तो वो फिर फैमिली वाला माहौल. फैमिली वाला माहौल, बल्कि वहाँ तो मेरी सबसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई. और मेरी मीडिया में कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई, वहाँ मुझे इतनी प्यारी दोस्त मिल गई, तो थैंक्स टू देम. उनकी वजह से. प्यारी दोस्त कौन? मेहरीन शाह, शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइन, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हमारी दोस्ती को नजर ना लगाए, ऐसी रहे. आंटी भी कनेक्ट कर देते लोगों को, कनेक्ट बड़े प्यारे तरीके से. बिल्कुल. अच्छा अब ये बताओ कि फेवरेट आर्टिस्ट टू वर्क विद. फेवरेट आर्टिस्ट टू वर्क विद, मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं पूछूंगी कौन से बुरे लगते हैं, क्योंकि अगेन मेरी वो मिजाज ही नहीं है, ना मैं उस तरह के इंटरव्यूज करती हूँ. लेकिन किन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और जिनके साथ दिल चाहता है कि बार बार काम. जिनके साथ अभी तक किया नहीं है, मैं वो आपको बताती हूँ. आई वॉन्टेड टू वर्क विद फवाद खान, ऑब्वियसली फॉर श्योर. फवाद के साथ काम करना है. और सजल मुझे बहुत पसंद है, शी इज अमेजिंग एक्टर. बाय द वे शी इज एन इवन मोर अमेजिंग पर्सन. या अमेजिंग, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, शी इज अ मीठा बच्चा. मीठा, इवन इकरा, शी, ओ माय गॉड, हर एक्सप्रेशन, इकरा तो अडोरेबल, अगेन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. इतने प्यारे हैं ना ये दोनों, इकरा भी सजल भी. मतलब एक्टिंग तो है, प्यार कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर. मतलब व्हेन यू मीट दीस पीपल यू लाइक या दे आर रियली गुड पीपल, यू कैन टेल. तो एक ये वैसे बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्टिंग तो शायद अब आजकल सब कर लेते हैं, लेकिन आई बिलीव कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एक्टर तो शायद है, सारे ही हो जाते, सभी हैं. अच्छा लाइनें बोल देते हैं, आप उसको रिपीट कर देते हो, एक्टिंग तो भूल जाती है. अच्छे लोग कम, अच्छे लोग कम है, और अच्छा इंसान अगर आपको मिल गया है तो ब्लेसिंग है. आई एम गोना आस्क यू अबाउट योर ड्रीम रोल, बट वी नीड टू गो ऑन अ ब्रेक. ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स सेहत ए कामला, हमने सेहत की भी बात करनी है, और हमें ज्वाइन करेंगी मेरी बड़ी लाडली, एक और मेरा बेबी डॉक्टर ज़ैनब गोंदर. ब्रेक के बाद.